हेलो, तो स्वागत है फिर से आपका आपके शो में टेक बॉस। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताने वाला क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्किट, मीन्स टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्किट विच इज आस्क्ड एट एवरी ईयर, जो कि हर साल पूछा गया है। उन दो क्वेश्चन को आज हम ब्रीफ में जानेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो क्लास 10 बोर्ड्स के लिए, चैप्टर सर्कल के लिए, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इतना इंटरेस्टिंग लगकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जानने वाले अपने दो क्वेश्चन जानने वाले, तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, जो गिवन फिगर जो दिया हुआ है, इसमें से हमें ये जो फिगर दिया हुआ है, जो हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें से हमें प्रूफ करना है क्या, हमें प्रूफ करना है क्या कि एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू द डबल ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू द डबल ऑफ दिस एंगल, है ना। ये प्रूफ करना है ठीक है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको। प्रूफ करना था हमें टू प्रूफ, पर लिखते हैं हम टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम लिख लेते हैं। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम पहले एक ट्रायंगल में चलते हैं, टी पी और क्यू में, ट्रायंगल इन फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल टी पी क्यू वी हैव, फ्रॉम ट्रायंगल टी पी क्यू वी हैव, इसमें से हमें टी पी इज इक्वल टू टी क्यू मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, रीजन आ जाएगा टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आ जाएगा हमारा रीजन। और जब एक ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाता है, तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाता है। तो जो दो साइड बराबर होंगे उसके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी हो जाएगा। तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल में चलते हैं। तो ये 3 डिग्री, ये जो तीन एंगल्स होते हैं इसका सम कितना होता है, 180 होता है। लिख लेते हैं एंगल, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम टी पी क्यू की जगह टी क्यू पी भी लिख सकते हैं, टी पी क्यू की जगह टी क्यू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हो जाएगा एंगल टू एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू, इतना हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे इसका वैल्यू टी पी क्यू का। तो एंगल टी पी क्यू का वैल्यू इधर 2 है, इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा। तो 180/2 माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू, तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू, इसको मान लेते हैं क्या हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन ले लिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, इक्वेशन नंबर 2 लेने की तरफ, ठीक है। तो हमें जानते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल वो 90 होगा। तो वी नो दैट एंगल
OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम OPT को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल OPQ प्लस एंगल OTPQ लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। एंगल OPQ इज इक्वल टू प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। बहुत अच्छे, हम ये भी लिख सकते हैं एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। वो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, दोनों का LHS सेम है। तो LHS सेम होता है तो RHS भी सेम होता है, LHS सेम होता है तो RHS भी सेम होता है, ठीक है। तो LHS कैंसिल, हम RHS को लेकर चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव हमारे पास क्या क्या है, लिख लेते हैं 90 माइनस हाफ एंगल PTQ और इधर हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। 90 से 90 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हाफ एंगल PTQ इज इक्वल टू OPQ और हमें निकालना क्या है, PTQ इज इक्वल टू, अगर हम हाफ को उधर बैठते हैं तो ये 2 उधर चल जाएगा, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। यही प्रूफ करना था, ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। तो इतना हमारे पास लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको नहीं समझ में आता चलिए एक बार और समझा देते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल 2 OPQ, ये हमें प्रूफ करना था। और फिर हम लेके चलते हैं एक ट्रायंगल जिसका नाम है TP एंड Q, मिसे TP एंड Q हम उसको लेके चलते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है TP इज इक्वल टू TQ, क्योंकि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन अ सर्कल, ठीक है। तो जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाता है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा तो वो जो दो साइड्स इक्वल हुए रहते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है, ये एंगल बराबर ये एंगल। तो हम लिख लेते हैं एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, ये हमने लिख लिया। यही हमारे लिए गोल्डन स्टेटमेंट है, यही हमारे लिए गोल्डन स्टेटमेंट है, इसी पे सारा क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कहते हैं, सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम सारे इंटीरियर ट्रायंगल को लिख लेते हैं TPQ वाले को, तो हो जाएगा एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत अच्छे, तो हम इसको ऐसे उतार लेते हैं, हम TPQ की जगह TPQ को उतार लेते हैं और हम TQP की जगह TPQ भी लिख सकते हैं। तो लिख लिया हमने, ठीक है, हमने लिख लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस हुआ तो 2 TPQ और इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 180 माइनस एंगल PTQ। तो एंगल हमें TPQ निकालना है, तो ये जब इधर से 2 जाएगा इधर डिवाइड बन जाएगा, तो डिवाइड कर दिया हमने, हमारे पास आंसर आ गया ये। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं कि एंगल OPT, ये एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तब एंगल TPQ की जगह TPQ कैसे रख के इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो 90 माइनस एंगल OPQ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं तो LHS इक्वल है, तो LHS इक्वल होंगे तो RHS भी इक्वल होंगे। बहुत अच्छे, तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS को लेते हैं, इधर 90 माइनस हाफ एंगल PTQ और इधर 90 माइनस एंगल OPQ, 90 से 90 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हाफ एंगल PTQ इज इक्वल टू OPQ, तो PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन जाने के लिए भी रुके रहिएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मन साथ के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं, बस है हमें मान दे दिया है, OP का मान दिया हमारा 5, ठीक है। OP के हमारा रेडियस भी है, तो
ओपी का हमारा वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा, 5 सेंटीमीटर दिया है ओपी का वैल्यू। पीक्यू का वैल्यू दिया है, पी से लेके यहाँ क्यू तक का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, 8 सेंटीमीटर पीक्यू का वैल्यू दे दिया है। और यहाँ पर पॉइंट आर है, जहाँ पे ये टी ओटी है जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है पीक्यू को, पीक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स, टी पी इज इक्वल टू एक्स, अगर टी पी एक्स होगा तो टी क्यू भी एक्स होगा, ठीक है, अगर टी पी एक्स होगा तो टी क्यू भी एक्स होगा, क्योंकि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, बिकॉज टेंजेंट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, टेंजेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, बहुत बढ़िया, इतना हो गया। तो हम लिख लेते हैं, इसको एक्स मान लिए, इसको भी एक्स मान लिए, लिख लीजिए एक्स मान, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज़ लेट करेंगे, हम एक और चीज़ लेट करेंगे, लेट एंड टी आर इज इक्वल टू वाई, टी से लेके आर तक की दूरी को हम मान लेते हैं वाई, बहुत बढ़िया, इतना लेट कर लिए। अब चलते हैं, तो इफ इफ ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इफ ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर जो है वो पी क्यू को परपेंडिकुलर है, और एक परपेंडिकुलर जिस लाइन पे गिरता है उस लाइन को इक्वल में डिवाइड कर देता है, इक्वल में बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर इसमें गिरा है तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, अगर इस पे गिरा है तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू होगा, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू होगा। तो 8 है ये, अब 8 को 2 में बांटा है तो 4 हो जाएंगे, तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये 4 और ये 4, बहुत बढ़िया, इतना समझ लेना है, ठीक है। तो हम इसको अब 8 ना लिख के 4 और 4 लिख देते हैं, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे ट्रायंगल्स में, तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल, हाँ तो हम देख रहे थे अपना सेकंड क्वेश्चन, तो पहले हम ध्यान देते थे, हम चलते हैं ट्रायंगल में ओ पी आर में, ओ पी आर ट्रायंगल में चलते हैं, इसमें आर हमारा है 90 डिग्री, ठीक है, आर हमारा 90 डिग्री है, हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो पाइथागोरस क्या होता है थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लिखते हैं ओ पी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर से बढ़िया लिखते हैं डायरेक्ट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 प्लस ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ओ आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ आर का वैल्यू हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ओ आर का वैल्यू आ गया, अब एक और ट्रायंगल लेके चलते हैं, ठीक है, अब एक और ट्रायंगल लेके चलते हैं, पी आर टी मतलब टी पी आर ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, चलिए लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल टी पी आर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें भी होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस इज इक्वल टू अदर साइड वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। हम एक हाँ तो हम लेते हैं तीसरा ट्रायंगल ओ पी टी को हम ले लेते हैं, तो ओ पी टी को हम लेते हैं, तो वी गेट
एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें मिलता है कि एंगल पी क्या है हमारा 90 डिग्री, एंगल पी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल पी हमारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल पी हमारा 90 डिग्री है, तो हम इसमें भी यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी हम यूज़ करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी हम यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने इसमें भी पाइथागोरस यूज़ किया है, इसमें भी पाइथागोरस यूज़ किया है, हम इसमें भी पाइथागोरस यूज करेंगे। तो हम सिर्फ पाइथागोरस के बेसिस पे हम इतने खतरनाक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा हमारा, अगर ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है, तो सामने वाली जो होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर, प्लस टीपी का स्क्वायर। ओटी का वैल्यू क्या आएगा हमारा, टीआर कितना है वाई है, ओआर कितना है थ्री है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, वाई प्लस थ्री का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। और ओपी का वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर, और टीपी का वैल्यू एक्स का स्क्वायर। बहुत अच्छा, इसका एक्सपेंड करते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, इस साइड ट्रांसफर करते हैं, एक्स को इधर ला लेते हैं, ठीक है, एक्स को इधर ला, चाहे वाई को उधर भेज देते हैं, और वाई को उधर भेज देते हैं, और 25 को इधर ले लेते हैं। तो अगर हम वाई को उधर भेजते हैं और 25 को इधर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -25 + 9 + 6 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सही से लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y - 16, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, वन एंड टू। अब दोनों का LHS हमारा इक्वल आ रहा है, तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो हम लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, पहले और दूसरे इक्वेशन से अगर हम लेके चलते हैं, तो 6y - 16 हो जाएगा, तो 6y = 16 + 16 6y = 32 y = 32/6, ठीक है, y = 32/6, 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 16/3। अब y की वैल्यू हमारी आ गई, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x² - y² = 16 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 का स्क्वायर = 16, वेरी गुड। तो x² - 256/9 = 16, तो यहाँ पे हम करते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 16 + 256/9, तो LCM आ जाएगा इसका 9, तो ये करेंगे तो आ जाएगा 144 + 256, ये हो जाएगा 400/9। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 400/9, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 400/9, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना, 20/3। यही हमारी वैल्यू आएगी इसकी, 20/3 सेमी, और वाई वैल्यू इसका भी आएगा 20/3 सेंटीमीटर। और y की वैल्यू हमारी कितनी निकाल दी है हमने, 16/3, सारी वैल्यूज पता हो गई, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, और चैनल में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आई मेक द सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो।